कंगना रनौत खुद एक आउटसाइडर है, इसलिए हर एक आउटसाइडर की स्ट्रगल को जानती है। इनफैक्ट जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी और नेपोटिज्म का मुद्दा उठा था, तो कंगना ने अपने ओपिनियंस को, अपने स्ट्रगल्स को वॉइस आउट किया था, ताकि वो बता पाए दैट दिस इंडस्ट्री इज नॉट अ हैप्पी एंड एन ईजी प्लेस फॉर आउटसाइडर्स। ऐसे में उनकी मूवी तेजस के डायरेक्टर सर्वेश के लिए वो कुछ बोलती हुई नजर आ रही हैं। क्या बोल रही हैं, चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। सर्वेश भी एक आउटसाइडर हैं जो 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे कि उनकी मूवी तेजस को कोई रिलीज करवा दे, यानी कि कोई प्रोड्यूस करे, कोई उनकी मूवी को चांस दे। ऐसे में कंगना रनौत के हाथों जब उनको मिल रहा है चांस, तो उनकी मम्मी यानी कि सर्वेश की मम्मी सेट्स पर मौजूद थी पहले दिन शूटिंग की, एंड शी ब्रोक डाउन इन टू टीयर्स। उनको आंसू आ गए ये देख कर कि फाइनली उनके बेटे को मिल गया है ये मौका। तो कंगना बोल रही हैं दैट शी अंडरस्टैंड्स व्हाट आर द स्ट्रगल्स ऑफ एन आउटसाइडर जब वो इस इंडस्ट्री में कदम रखता है, किस तरीके से सालों साल स्ट्रगल करने के बाद एक ब्रेक उनको मिल पाता है, और वो ब्रेक उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जब उन्होंने देखा कि किस तरीके से सर्वेश की मम्मी आंसुओं में टूट गई हैं, तो उनको अपने वो दिन याद आ गए जब वो स्ट्रगल कर रही होती थी, और उनकी फैमिली ने खूब सारी होप्स उनके अंदर रखी थी दैट शी विल डू समथिंग फॉर हर सेल्फ, शी विल डू समथिंग, या फिर कुछ एक सिल्वर लाइनिंग दिख जाएगी कंगना को जिससे उनका करियर बन जाएगा। खैर, ये सारी चीजें तो लगी रहती है इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइडर्स और ऑलरेडी स्टार किड्स बहुत ज्यादा तरीके से अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं आए दिन। लेकिन जैसे कंगना की मानी जाए, तो देर शुड बी अ सेपरेट चांस फॉर एवरी आउटसाइडर हु वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ। क्या कहना चाहेंगे इस मैटर में आप लोग जल्दी से आइए कमेंट सेक्शन में, हमको बता दीजिए और हमारे साथ जुड़े भी रहिए, क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।